दिनांक 13 तारीख को रात को हमारे डीबी पत्ता पर हम गश्त कर रहे थे। उस दरम्यान में एक जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ लोग अंधेरे में संत नामदेव गार्डन उड़न पुल के नीचे में बैठे हैं। इस गोपनीय जानकारी के आधार पर हम दोनों पंच को लेकर जाकर वहाँ छापा कार्रवाई की गई है। अंधेरे में 5 लोग को पकड़ा गया है। 5 लोगों के पास में शस्त्र जब्त किया गया है। उसमें 2 छापू थे, 1 तलवार थी, 1 रॉड था और कुछ दरोड़ा डालने के साहित्य सब पुलिस को जब्त किया गया है। उनके खिलाफ़ में 5 आरोपी के खिलाफ में 399-402 की धारा और भारतीय हत्या कायदा 425 के तहत क्राइम रजिस्टर किया गया। उसके बाद में उसका PCR लिया गया, 3 दिन का PCR मिला। PCR के दरमियान में जो 2 आरोपी थे, उस 2 आरोपी ने ऐसी कबूली दी है कि हमको उसने कुछ गाड़ियां चोरी की है और वो गाड़ियां कई जगह पे छुपा के रखे हैं। उस आरोपी की तरफ से हमने दोनों ही आरोपी की तरफ से कुल मिलाकर 5 गाड़ियां, मोपेड गाड़ियां, सभी एक्टिवा गाड़ियां वो जब्त किया गया है। सभी गाड़ियों का नंबर प्लेट चेंज करके वो गाड़ियां चला रहे थे, किसी जगह पे रखते थे और वही गाड़ी से इधर उधर घूम के दूसरी गाड़ी चोरी करने का प्रयास करते थे। ऐसा कुल मिला के 344,850 रुपये का माल हमने हस्तगत किया है। आगे और शुरू है। 5वें आरोपी के खिलाफ में क्राइम रिकॉर्ड दर्ज है। 5 के चोरी के, 1 के ऊपर मर्डर है, 1 के ऊपर 324 का गुना है। 5वें रिकॉर्डेड आरोपी है और 5वें आरोपी जो पकड़े गए हैं उसमें का नाम एक है तौसीफ अली, दूसरा है तन्मय कुरुटकर, प्रज्वल ओसरे, अश्विन घरडे और शिवशंकर धकाते। ऐसे कुल मिला के 5 आरोपी को अरेस्ट किया गया है। हमारे डीबी पथक के PSI भालेराव और हेड कांस्टेबल श्याम कड़ू, हेड कांस्टेबल अमोल भंबोरकर और उनके साथीदार में जो है डीबी के अधिकारी और अमलदार, इन्होंने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है।